Hello students, welcome back again. Today we will be discussing in-text questions based on topics what we have done in the previous lectures. So there are two set of in-text questions what we are supposed to do. The first set of in-text questions says why magnesium ribbon should be cleaned before burning in air. Jaisa ki humne pehle lecture mein discuss kiya tha के मैग्नीशियम के ऊपर एक वाइट लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की डिपॉजिट हो जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल होता है. इस वजह से उस लेयर को हमको सैंड पेपर से क्लीन करना होता है. नहीं तो अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो जब आप उसको बर्नर में हीट करेंगे या बर्न करेंगे तो वो वाइट डैजलिंग फ्लेम जो है वो नहीं देगा, क्योंकि मेटल ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका होता है. तो आंसर क्या आता है, टू रिमूव the white layer of magnesium oxide deposited on magnesium piece, we rub magnesium with a sand paper. Right class? So this is the answer to this particular question. ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. इंटेक्स का टू कहते हैं राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. पहला क्वेश्चन में वो कहता है कि हाइड्रोजन को आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे ताकि वो आपको क्या दे दे, हाइड्रोजन क्लोराइड दे दे. तो क्लास, हाइड्रोजन किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है नेचर में, हाइड्रोजन गैस. क्लोरीन किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, क्लोरीन गैस. और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड. तो फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl. ये भी असल में क्या होती है, गैस होती है. रिएक्शन आ गई तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस. हाइड्रोजन कितने यहां पे आ रहे हैं, टू. यहां पे कितना आ रहा है, वन. तो आपको यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, टू. जब आप यहां पे टू लगाएंगे हाइड्रोजन हो जाएगा बैलेंस और क्लोरीन भी ऑटोमेटिकली हो गया बैलेंस. राइट क्लास, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ए पार्ट का आंसर. ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं. कहते हैं बेरियम क्लोराइड. अब क्लास आई होप आपको याद होगा कि बेरियम का जो आयन है क्लास नाइन्थ के अंदर जो हमने आयन्स पढ़े थे वो कैसा होता है. तो बेरियम का जो आयन होता है वो क्या होता है, प्लस टू. क्लोरीन का जो आयन बनता है वो बनता है Cl माइनस. तो इनके क्रिस क्रॉस से बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनता है, BaCl2, जो टेक्निकली पानी में होगा, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, एक्वस. बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ. अब एल्यूमिनियम का जो आयन होता है जो हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था वो था Al3 पॉजिटिव. सल्फेट का जो आयन होता है वो होता है SO4 2 माइनस. तो क्रिस क्रॉस मेथड से इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, Al2SO4 होल थ्राइस. ये भी सॉल्ट होता है जो पानी में लिया जाता है. राइट, और जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट, तो वो क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट. बेरियम ये रहा प्लस टू, सल्फेट ये रहा टू माइनस. क्रिस क्रॉस से दोनों के पास टू टू आ जाएगा, कॉमन होके कैंसल आउट हो गया. तो हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला बेरियम सल्फेट का, BaSO4. ये एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए हम इसके साथ क्या लिख रहे हैं, एरो नीचे की तरफ. राइट, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है. और नेक्स्ट क्या आता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड. Al वैलेंसी 3 होगी, Cl 1 हो गया. इसका 1 यहां पे आ गया, इसका 3 यहां पे आ गया. तो हमारे पास ये क्या आ गया, AlCl3. और ये किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, एक्वस की फॉर्म के अंदर. सो देयर इज अनदर रिएक्शन एंड वी आर सपोज टू बैलेंस द रिएक्शन. अब आप ध्यान से देखिए, बेरियम कितना है यहां पे, 1. बेरियम कितना है यहां पे, 1. तो बेरियम जो है वो क्या हो गया, बैलेंस. क्लोरीन कितना है यहां पे, 2. क्लोरीन कितना है यहां पे, सिर्फ 3. तो दोनों का कॉमन नंबर क्या हो जाएगा बैलेंस करने के लिए, 6. तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, 2. 2 3 6. और यहां पे क्या लगा देंगे, 3. तो क्लोरीन हो गया बैलेंस. लेकिन कौन बिगड़ गया यहां पे, बेरियम.
तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए आपको यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। तो आपका बेरियम और क्लोरीन दोनों हो गए बैलेंस। एल्यूमिनियम कितना है यहां पे प्रोडक्ट साइट में, 2। एल्यूमिनियम यहां पे भी कितना है, 2। एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। अच्छा, सल्फेट ध्यान से देखो, SO4 होल कितना है, 3। मतलब सल्फेट 3 है, ये 3 किसके लिए है, सल्फेट के लिए है, तो ये भी हो गया हमारा बैलेंस। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आ जाती है। बस ये ध्यान रखना, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होता, इट इज इनसॉल्युबल। आई होप आपको पहला वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया, राइट? तो आप कॉपी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, पॉज करके आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इंटेक्स का क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, सी पार्ट, वो क्या कहता है, कहते हैं सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम, सोडियम क्या होता है, Na। सोडियम नेचर में सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, साथ में हमारे पास कौन है, वाटर। वाटर नेचर में किस फॉर्म के अंदर होता है, लिक्विड। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का आयन क्या होता है, Na पॉजिटिव। हाइड्रोक्साइड का आयन क्या होता है, OH नेगेटिव। क्रिस क्रॉस से ये क्या बन जाता है, NaOH, है ना, दोनों का 1-1 वहां चला गया, और साथ में वो क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस, राइट? तो ये हमारे पास आ गया प्लस, ठीक है। तो अगेन इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। Na कितना है, 1। Na कितना है, 1। Na बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1। ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है, 2। हाइड्रोजन कितना है, 1 प्लस 2, तो कितना हो गया, 3। 3 और 1 में हमें कुछ कॉमन लाना पड़ेगा, तो कॉमन नंबर क्या आ जाएगा, 4। तो हम क्या ले आए यहां पे, 2। तो 2 हाइड्रोजन यहां पर हो गए और 2 हाइड्रोजन यहां पे हो गए, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो हमने यहां पे क्या लगा दिया, 2। इससे कौन हो गया बैलेंस्ड, हाइड्रोजन। इससे एक और चीज बैलेंस होगी और वो कौन है, ऑक्सीजन। लेकिन एक चीज बैलेंस नहीं हुई, कौन, सोडियम। तो इसलिए हमने यहां पे क्या लगा दिया, 2। इज दैट क्लियर, समझ में आया ये पार्ट? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वो कहता है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट एंड सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में ए पार्ट वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है। सॉल्यूशन किसका, बेरियम क्लोराइड का। तो जरा ध्यान से देखना, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, बेरियम, बेरियम क्या होता है, प्लस 2। क्लोराइड क्या होता है, Cl माइनस। तो इनका कंपाउंड क्या बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ। तो सोडियम क्या होता है, Na पॉजिटिव। सल्फेट क्या होता है, SO4 2 माइनस। सोडियम क्या होता है, Na पॉजिटिव। सल्फेट क्या होता है, SO4 2 माइनस। तो दोनों के क्रिस क्रॉस से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO4। और सिंस ये भी सोल्यूशन है, तो हमने क्या लिख दिया, इसके आगे पीछे एक्वस, राइट? ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। अब हमें तो पता है कि रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, पर हमने वहां पे लिखा हुआ है, कहता है इन वॉटर, कहीं वॉटर मत लिख देना आप, क्योंकि ये सोल्यूशंस हैं। कहता है रिएक्ट टू गिव इन सोल्यूबल बेरियम सल्फेट। अभी पूछे ऊपर वाली रिएक्शन में बनाया था बेरियम सल्फेट, ये रहा सल्फेट, ये रहा बेरियम, है ना, तो ये क्या आ गया, बेरियम सल्फेट। अच्छा, इनसॉल्युबल है, इसका मतलब है ये क्या आएगा, एज अ प्रेसिपिटेट, राइट? एंड साथ में क्या आ रहा है, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये रहा सोडियम, ये रहा क्लोरीन, इसका क्रिस क्रॉस मेथड से क्या बन जाएगा, NaCl, ये डिसॉल्व रहेगा, इसलिए हम इसके साथ क्या लिख देंगे, एक्वस। नेक्स्ट पार्ट है इसको क्या करना, बैलेंस। बेरियम कितना है, 1। बेरियम कितना है, 1, बैलेंस्ड है। क्लोरीन कितना है, 2। क्लोरीन कितना है, 1, तो आप क्या लगा दोगे, 2। क्लोरीन हो गया बैलेंस। सोडियम कितना है, 2।
सोडियम कितना आ गया? टू, बैलेंस हो गया। सल्फेट कितने आ रहे हैं यहाँ पे? वन। यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं आप देख सकते हैं, सल्फेट कितने हैं यहाँ पे? वन। सल्फेट कितने हैं यहाँ पे? तो ये भी बैलेंस हो गया, राइट क्लास? तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या कहती है इसके अंदर, बी पार्ट कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब पानी के अंदर। अभी हमने ऊपर की रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था ना, तो क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पानी के अंदर, मतलब वो क्या होगा? एक्वस। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने ऊपर पढ़ा था ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो क्या हो गया? HCl। अच्छा, वो भी सॉल्यूशन है, तो वो भी किसमें आ गया? एक्वस की फॉर्म के अंदर आ गया, है ना। क्या दे रहे हैं? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। क्या दे रहे हैं? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? NaCl। अच्छा, सिंस इसका सॉल्यूशन बोल रहे हैं, तो ये क्या आ गया? एक्वस। साथ में क्या आ गया? वाटर। तो ये क्या आ गया? लिक्विड, राइट। तो हमको रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। कैसे करेंगे बैलेंस? आप देख सकते हैं Na कितना है? वन। Na कितना है? वन, बैलेंस्ड है। O कितना है? वन। O कितना है? वन, बैलेंस्ड है। H कितना है? वन प्लस वन, कितना हो गया? टू। तो H कितना है यहाँ पे? टू, बैलेंस्ड है। Cl कितना है? वन। Cl कितना है? वन, तो बैलेंस्ड है। तो ये रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गई, राइट। अब थोड़ी सी चीज़ों को और समझते हैं, इसको हम कहते हैं जनरल नॉलेज। कभी कभार बच्चे, हमने अक्सर देखा है जल्दबाजी में, है ना, वाटर को लिख देते हैं H2O। उनको बोलो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लिखो, वो क्या लिख देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उनको बोलो कि बेटा कैल्शियम ऑक्साइड लिखो, वो लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। उनको बोलो कैल्शियम कार्बोनेट लिखो, और वो लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब फॉर्मूले गलत है, और कभी कभार बोलना नहीं चाहिए ऐसे, बट टीचर्स भी जल्दबाजी में या बच्चों को मार्क्स देने के चक्कर में इनको करेक्ट कर देते हैं, बट दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर सही टीचर होगा वो आपकी मिस्टेक को यहाँ पे जज जरूर करेगा, क्योंकि ये चीज़ें गलत है। असलियत में वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो सर ये दोनों तो सेम फॉर्मूले है, तो गलत कैसे हो गया? अरे बेटा, साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे सेम साइज का है। एलिमेंट्स के जो साइज होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे होता है, ये तो कोबाल्ट की तरह हो गया, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड में सी कैपिटल है, ए छोटा है, तो ऑक्सीजन भी कैपिटल होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर सी कैपिटल है, ए छोटा है, सी कैपिटल है, तो ओ भी कैपिटल होना चाहिए। सो प्लीज ये सिली मिस्टेक्स नहीं करना, ठीक है। ये आपको पता नहीं चलती हैं, पर टीचर जो है वो मार्क्स कट जाते हैं, और बच्चे बाद में कहते हैं कि उनके तो इतने एक्सपेक्ट किए थे और आ रहे होते हैं बहुत कम, वो इन सिली मिस्टेक्स की वजह से होता है। इट इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, सो मेक श्योर इन फ्यूचर एंड इन अदर लेक्चर्स व्हेनेवर यू राइट केमिकल, वी विल बी राइटिंग अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यू विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, सो मेक श्योर यू डोंट डू सच मिस्टेक्स, राइट। सो इन चीजों का ध्यान रखना। तो आई होप आपने ये सब अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन टेक्स्ट का, ठीक है, जो एक और अगले पेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो क्या कहता है? कहते हैं एक सॉल्यूशन, एक सब्सटेंस का एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक कंपाउंड है, उसके सॉल्यूशन को हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट उसका फॉर्मूला। तो अगर आपको याद हो, वो कंपाउंड जो वाइट वॉश के लिए हम यूज करते हैं, वो कंपाउंड कौन होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। सो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स इन टेक्स्ट के। द
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ इंटेक्स्ट जो हम कर रहे थे वो क्या है. इट सेज अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग. नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला. तो जो सब्सटेंस वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना. इसका सॉल्यूशन पानी में डाल के इस्तेमाल किया जाता है फॉर वाइट वॉशिंग एंड द नेम इज व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड. कॉमन नेम क्या होता है इसका, क्विक लाइम. कॉमन नेम इसका क्या हो गया, क्विक लाइम. कहते हैं राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन द अबव रिएक्शन विद वाटर. तो हम इस सब्सटेंस की रिएक्शन लिखते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड नेचर में क्या होता है, सॉलिड. ये पानी के साथ रिएक्ट करता है जो क्या होता है, लिक्विड, टू फॉर्म व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो ये हो गया होल ट्वाइस. इसको हम क्या लिखते हैं, एक्वस. सो व्हेन क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट. तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. कैल्शियम कितना है, 1, इट इज 1. ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 2, इट इज 2. एंड ऑक्सीजन 1, और 1 कितना हो गया, 2. तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन भी हो गया 2. तो रिएक्शन जो है वो हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई. तो पहले पार्ट में हमने नेम लिख दिया, दूसरे पार्ट में हमने क्या लिख दी, उसकी रिएक्शन लिख दी, राइट क्लास. तो इसके अंदर दो क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन हमने कर दिया है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, इट सेज फिफ्थ. कहते हैं व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन द प्रीवियस एक्टिविटी. कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं. इट इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द अदर, नेम द रिएक्शन. तो इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर डूइंग वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, व्हेन वी वर डूइंग वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, सो इट गिव्स हाइड्रोजन गैस अलोंग विद व्हाट गैस, ऑक्सीजन गैस. तो जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, 2. यहाँ पे भी क्या आ जाता है, 2. तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब इन द प्रीवियस एक्टिविटी इज डबल. तो वो गैस डबल कौन सी है, हाइड्रोजन. ठीक है, किससे कंपैरेटिवली डबल है, ऑक्सीजन के, है ना. तो नेम ऑफ द गैस कौन सी आ गई, हाइड्रोजन. एंड व्हाई इट इज डबल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन इज डबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ व्हाट गैस, ऑक्सीजन गैस, राइट क्लास. सो दीज आर द इनटेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक्स व्हिच वी हैव कवर्ड सो फार. ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर हम इनको आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, एंड फिर हम बाकी के क्वेश्चंस भी यूज करेंगे, राइट. थैंक यू क्लास.